हेलो दोस्तों, जहां पर इंडिया कभी सुपर पावर बनने के सपने देखा करता था और चाइना को हर मामले में टक्कर देता था, तो आज वहीं हमारा भारत जीडीपी के मामले में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। अभी हाल ही में दोस्तों आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा दिखाई जा रही है। सिर्फ जीडीपी की बात नहीं है दोस्तों, और भी मामलों में बांग्लादेश भारत से आगे होता जा रहा है। ऐसा क्या हुआ दोस्तों जो भारत पीछे रह गया? भारत ने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी? बांग्लादेश ऐसा क्या कर रहा है जो इतना डेवलप होता जा रहा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी देश के सही कंपैरिजन के लिए सिर्फ जीडीपी को देखना सही नहीं है, उसके लिए बाकी इंडिकेटर्स को भी हमें ध्यान में रख के अच्छे कंक्लूजन को निकालना पड़ेगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। यह 2018 की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन 48% ही प्राइमरी एजुकेटेड है। और इसी के साथ अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल की 92% है, बांग्लादेश का 54% है और पाकिस्तान का 74% है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी देश में एवरेज आदमी कितना जिंदा रहता है, और यह देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दर्शाता है। हम आपको बता दें, इंडिया में औसतन 67 ईयर तक लोग जिंदा रहते हैं और बांग्लादेश में 72, और यही पाकिस्तान में 66 ईयर तक है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें दोस्तों तो इसमें भारत आगे है। भारत के 74% लोग लिटरेट हैं और बांग्लादेश के यही 73 है। लेकिन अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो अभी हमने देखा कि बांग्लादेश भारत से आगे है। अगर दोस्तों हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों भारत इसमें 94th पोजीशन पे आता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश इसमें 75 पोजीशन पे है। अगर दोस्तों हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया 140 पोजीशन पे है और बांग्लादेश यहीं दूसरी तरफ 125th पोजीशन पे। मतलब बांग्लादेश के लोग यहाँ भारत से ज़्यादा खुश हैं बांग्लादेश में दोस्तों, जबकि भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में, वो भी भारत के चलते उन्हें आज़ादी मिली थी। और दोस्तों एक समय ऐसा आया था बांग्लादेश में जिस टाइम पर बांग्लादेश की जीडीपी -14 तक पहुंच गई थी, और भारत की जीडीपी 5 साल पहले बांग्लादेश से 40% तक आगे थी। तो दोस्तों बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया कि वो भारत को टक्कर देने लगा है? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। जहाँ पर भारत अपनी राजनीति में व्यस्त था और नोटबंदी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान दे रहा था। तो हम आपको बता दें, बांग्लादेश की जो गारमेंट्स की क्वालिटी है वो वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पे आती है। आजकल आप देखेंगे कि जो भी आप ब्रांडेड शर्ट खरीदने जाएंगे उस पर मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता है, तो वो उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। दोस्तों सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं, बांग्लादेश एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सेल्फ एफिशियंट हो रहा है। तो दोस्तों जिस हिसाब से बांग्लादेश डेवलपमेंट कर रहा है उसके लिए वो तारीफ के काबिल है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।